नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के बीच 14वीं भारत जापान वार्षिक बैठक आज शाम नई दिल्ली में। गृहमंत्री अमित शाह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर जम्मू में परेड में शामिल हुए। कहा, अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 10 नए मंत्री शामिल किए गए। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जैव रासायनिक हथियार संधि को सच्ची भावना से लागू करने की अपील। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। तमिलनाडु के कृषि मंत्री एमआरके पनीर सेल्वम ने आज 33,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट पेश किया। कर्नाटक में तुमकुर जिले के पावागढ़ा के निकट एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज शाम दिल्ली के निकट फरीदाबाद में शुरू होगा। ऑकलैंड में भारत के साथ महिला विश्व कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की 6 विकेट से जीत और भुवनेश्वर में एफआईएच प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना अर्जेंटीना से। दोपहर समाचार में अथर सईद के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए आपसे अपील है, कृपया इन सरल उपायों का पालन करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार। जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वे शाम को भारत और जापान की 14वीं वार्षिक शिखर वार्ता में भाग लेंगे। ये वार्ता 2 दिन चलेगी। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद श्री किशिदा का भारत का ये पहला दौरा है। शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फुमियो किशिदा के बीच मुलाकात होगी। 14वीं भारत जापान वार्षिक शिखर वार्ता श्री मोदी और श्री किशिदा के बीच पहली बैठक होगी। भारत और जापान अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के दायरे में बहुआयामी सहयोग साझा करते हैं। इस शिखर वार्ता में दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों के विविध आयामों की समीक्षा करने, इसे मजबूत करने और इसे और आगे बढ़ाने के रास्तों पर विचार करने का मौका मिलेगा। बैठक के दौरान दोनों नेता साझा हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का भी आदान प्रदान करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र और इससे परे शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझेदारी बढ़ाने के उपायों पर भी श्री मोदी और श्री किशिदा विचार विमर्श करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद वहां आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार 33,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश सुनिश्चित करने और लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने में सफल रही है। धारा 370 हटाने के कारण दलितों, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और पहाड़ी लोगों एक प्रकार से जो विकास की प्रक्रिया से कहीं न कहीं कटे हुए थे, नए कानूनों के तहत इन सबको समाहित करते हुए सर्वस्पर्शीय, सर्वसमावेशक विकास की शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है। और मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा काम हुआ है, जो सशस्त्र बलों की सबसे बड़ी सफलता है कि यहां पर आतंकवाद पर एक निर्णायक कंट्रोल लेने में सशस्त्र बलों को सफलता मिली है। जम्मू में आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हर गांव में सरपंच और पंच का होना जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के फलने फूलने का प्रमाण है। 2014 में नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर की स्थिति में इतने कम अंतराल के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सबसे पहली बात, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को गांव तक पहुंचाने की शुरुआत हुई है। आज जम्मू कश्मीर के लिए और देश भर के लिए गर्व की बात है, 33,000 से ज्यादा प्रतिनिधि ये लोकतंत्र का हिस्सा बना है। हर गांव में पंच सरपंच गांव को विकास के रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। तहसील
पंचायतें बनी है, जिला पंचायतें बनी। लोकतंत्र को जमीन पर पहुंचाने में आज नरेंद्र मोदी सरकार को बहुत बड़ी सफलता मिली है। गृहमंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही 7 नए मेडिकल कॉलेज और 2 एम्स काम करना शुरू कर देंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सराहना करते हुए गृहमंत्री ने कहा कि बल ने देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस बल होने की अपनी पहचान बनाए रखी है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार बल को नवीनतम उपकरण और प्रौद्योगिकी से लैस करने के लिए प्रतिबद्ध है। जब नक्सलवाद, नॉर्थ ईस्ट थिएटर, कश्मीर में पाक प्रेरित आतंकवाद 90 के दशक में इस सभी जगहों पे हिंसा चरम सीमा पर और देश की आंतरिक सुरक्षा का दृश्य देखकर देश के हर नागरिक के मन में चिंता होती थी कि देश का भविष्य क्या होगा, देश की आंतरिक सुरक्षा को कैसे संभालेंगे। मगर कुछ ही सालों में 2 दशक के कम समय के अंदर सीआरपीएफ ने चाहे नक्सलवाद का क्षेत्र हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर का थिएटर, सभी जगह पर अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय बताते हुए देश को छिन्न विछिन्न करने वाली शक्तियों को समाप्त करने के कगार पर आज सीआरपीएफ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि आज पूरे भारत में एक झंडा, एक संविधान और एक नेता है और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। ये यही भूमि है जहां पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर को भारत का अटूट हिस्सा बताते हुए एक देश में 2 प्रधान, 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेंगे इसका आंदोलन किया था। और हमारे देश के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान भी इसी धरती पर इसी आंदोलन को करते करते हुआ था। आज मुझे आनंद है कि मोदी जी के नेतृत्व में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित प्रेमनाथ डोगरा दोनों के स्वप्न आज पूरे हुए हैं और आज एक निशान, एक विधान और एक प्रधान का स्वप्न पूरा हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना। हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। चंडीगढ़ में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 10 विधायकों को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी उपस्थित थे। आज जिन विधायकों को शपथ दिलाई गई वे हैं हरपाल सिंह चीमा, डॉ बलजीत कौर, हरभजन सिंह, विजय सिंगला, गुरमीत सिंह मीत, हरजोत सिंह बैंस, लाल चंद कटारूचक, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर और ब्रह्मशंकर जेम्पा। तमिलनाडु के कृषि मंत्री एमआरके पनीरसेल्वम ने आज विधानसभा में राज्य का कृषि बजट पेश किया। कुल 33,000 करोड़ रुपए के बजट में से 2,546 करोड़ रुपए की राशि फसल बीमा योजना के लिए आवंटित की गई है। बजट में अगले वर्ष 126 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की उम्मीद की गई है। कृषि उत्पादों के अंतर्राज्यीय कारोबार की सुविधा के लिए केरल से लगी सीमा पर 3 सब्जी मंडियां बनाई जाएंगी। प्रमुख विपक्षी दल एआईएडीएमके पार्टी के नेता एडापल्ली पलानीसामी ने कहा कि कृषि बजट एक खोखला दस्तावेज है। पीएम की पार्टी ने कहा कि ये बजट कृषि क्षेत्र के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि बंद पड़ी गन्ना मिलों को फिर से खोलने की घोषणा सराहनीय है। नागालैंड विधानसभा का एक सप्ताह का बजट अधिवेशन आज शुरू हुआ। राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी ने अपने अभिभाषण में नगा समस्या के शीघ्र राजनीतिक समाधान के लिए विपक्ष रहित सरकार के गठन पर सदन के सदस्यों की एकजुटता की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये प्रत्येक सदस्य की दिलचस्पी और राज्य के लोगों की भलाई तथा राज्य के लिए कुछ कर गुजरने की एक सुंदर मिसाल है।
कर्नाटक में तुमकुर जिले के पावागढ़ के नजदीक आज करीब 60 यात्रियों को ले जा रही एक निजी बस पलटने से 8 लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार बस चालक के नियंत्रण खो देने के कारण ये दुर्घटना हुई। बस के अंदर फंसे कुछ यात्रियों को निकालने का काम जारी है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के बीच 14वीं भारत जापान वार्षिक बैठक आज शाम नई दिल्ली में। गृहमंत्री अमित शाह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर जम्मू में परेड में शामिल हुए। कहा, अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 10 नए मंत्री शामिल किए गए। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जैव रासायनिक हथियार संधि को सच्ची भावना से लागू करने की अपील। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। तमिलनाडु के कृषि मंत्री एमआरके पनीरसेल्वम ने आज 33,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट पेश किया। कर्नाटक में तुमकुर जिले के पावागढ़ के निकट एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज शाम दिल्ली के निकट फरीदाबाद में शुरू होगा। ऑकलैंड में भारत के साथ महिला विश्व कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की 6 विकेट से जीत। भुवनेश्वर में एफआईएच प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना अर्जेंटीना से। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 5,84,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान 2,075 नए लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 3,383 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.73% हो गई है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड वेरिएंट जांच तेज करने और निगरानी बढ़ाने तथा कोविड स्थिति पर पूरी चौकसी रखने का परामर्श दिया है। सरकार ने आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां फिर शुरू करते समय पूरी तरह सतर्क रहने और ढिलाई नहीं बरतने को कहा है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को पत्र लिखा है। मुख्य सचिव को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप के कुछ देशों में कोरोना संक्रमण फिर बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी पात्र लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगवाने के लिए प्रेरित किया जाए। कोविड टीकाकरण अभियान के विस्तार के अंतर्गत सभी वयस्कों सहित किशोरों को भी टीके लगाए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा है कि विश्व में लगातार सामाजिक और अन्य तनाव बढ़ रहे हैं और ऐसी स्थिति में मानवता की प्रगति के लिए शांति बहुत आवश्यक है। श्री नायडू आज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में दक्षिण एशियाई शांति और सुलह संस्थान के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उपराष्ट्रपति ने शिक्षा के क्षेत्र में मातृभाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि वे स्वयं मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करके उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचे। श्री नायडू ने एशिया के पहले बाल्टिक सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र का भी निरीक्षण किया। नागालैंड विधानसभा में अब सभी काम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होंगे। ऐसा करने वाली ये देश की पहली विधानसभा है। इसके लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा की शुरुआत की गई है। विधानसभा अध्यक्ष शेरिंगेन लोंग कुमार ने बजट सत्र के पहले दिन ये जानकारी दी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क से ई कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने में मदद मिलेगी। इससे व्यापारियों को समान अवसर मिलेंगे और उनके हितों की रक्षा की जा सकेगी। उद्यमशीलता सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि प्रयोगशालाएं, शिक्षक इंक्यूबेटर और धन स्वस्थ स्टार्टअप प्रणाली के 4 अनिवार्य तत्व हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है
अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा, साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव। आकाशवाणी समाचार के साथ। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जैव रासायनिक हथियार संधि को सच्ची भावना से लागू करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी उप प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि एक वैश्विक और भेदभाव रहित निरस्त्रीकरण संधि होने के कारण भारत इसे बहुत महत्वपूर्ण मानता है। इस निरस्त्रीकरण संधि के अंतर्गत जैव रासायनिक हथियारों को प्रतिबंधित किया गया है। यूक्रेन की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच ताजा दौर की राजनयिक बातचीत का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय ने कहा है कि रूस यूक्रेन संघर्ष की वजह से यूरोप दूसरे विश्व युद्ध के बाद के सबसे गंभीर शरणार्थी संकट से जूझ रहा है। कार्यालय ने कल जारी अपने आंकड़ों में कहा है कि 32 लाख से अधिक लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। 1/4 आबादी को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। संघर्षरत यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीयों के लिए कल एक परामर्श जारी किया। इसमें कहा गया है कि भारतीय दूतावास कार्य कर रहा है और उसके ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है। सहायता के लिए व्हाट्सएप पर 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर काम कर रहे हैं। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे बांग्लादेशी नागरिकों को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। खेलों से संबंधित मध्यस्थता न्यायालय ने अगले सप्ताह विश्व कप फुटबॉल के क्वालिफाइंग मुकाबलों से पहले रूस के फुटबॉल संघ पर लगे प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल संघ फीफा ने कहा कि मध्यस्थता न्यायालय ने प्रतिबंध हटाने से संबंधित रूस की अपील खारिज कर दी है। इससे रूस विश्व कप क्वालिफाइंग मुकाबले में पोलैंड से नहीं खेल पाएगा। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज से दिल्ली के निकट फरीदाबाद में शुरू हो रहा है। 4 अप्रैल तक चलने वाले मेले का उद्घाटन आज शाम हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे। कोविड महामारी के कारण 2 वर्ष के अंतराल के बाद इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेले गए महिला विश्व कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट पर 277 रन बनाए। कप्तान मिताली राज ने सबसे अधिक 68 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 280 रन बनाए। भुवनेश्वर में एफआईएच प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना अर्जेंटीना से होगा। स्पेन के साथ 2 मुकाबले खेलने के बाद भुवनेश्वर के कलिंग हॉकी स्टेडियम में भारतीय टीम आज और फिर कल अर्जेंटीना के साथ 2 मैच खेलेगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और आसपास के इलाकों में आज होली पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। राज्य के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज होली के अवसर पर आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि श्री योगी ने भगवान नरसिंह होलिकोत्सव शोभा यात्रा को रवाना किया। रंग बिरंगी पगड़ी और काला चश्मा पहने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से खचाखच भरी गोरखपुर की गलियों में जमकर रंग गुलाल और फूल बरसाए। नरसिंह शोभा यात्रा का आयोजन वर्ष 1944 से किया जा रहा है और पिछले 24 सालों से योगी आदित्यनाथ इस शोभा यात्रा में भाग ले रहे हैं। इससे पूर्व श्री योगी ने बतौर गोरख पीठाधीश्वर गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान से होली पर पूजा की और मंदिर परिसर में होलिका दहन किया। श्री योगी एक दिन पूर्व शहर में निकाली गई होलिका दहन शोभा यात्रा में भी शामिल हुए थे। इस बार की होली इसलिए भी खास हो गई है क्योंकि 2 साल के अंतराल के बाद कोविड प्रतिबंध हटाए गए हैं और लोग रंगों में सराबोर होकर होली खेल रहे हैं।
इसके अलावा हाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत का रंग भी होली के उत्सव में मिल गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। उन्नीस मार्च को आजाद हिंद फौज ने मणिपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कर्नल शौकत मलिक ने म्यारिम बाम कोइरिंग सिंह और आईएनए के अन्य सदस्यों सहित मणिपुर के निवासियों की मदद से मोरांग में तिरंगा फहराया। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में जिस ध्वज को मान्य किया था वो पूर्ण स्वराज ध्वज का रूपांतर था। इसमें ऊपर केसरिया रंग की पट्टी पर आजाद शब्द और नीचे की हरी पट्टी पर हिंद शब्द लिखा था और बीच की सफेद पट्टी पर गांधी जी के चरखे की जगह आक्रमण को आतुर बाघ का चित्र था जो आईएनए की प्रबल शक्ति और संघर्ष की अदम्य इच्छा का प्रतीक था। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने सितंबर 1942 में सिंगापुर में की थी। सुदूर पूर्व में जापान के भारतीय युद्ध बंदियों के साथ निर्वासित राष्ट्रवादी नेता रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में भारतीय स्वतंत्रता लीग के समर्थन से इसकी स्थापना की गई थी। 1943 में सुभाष चंद्र बोस के आगमन ने इस मुक्ति सेना में नई जान फूंक दी। जुलाई में सिंगापुर में एक बैठक के दौरान रास बिहारी बोस ने संगठन का नियंत्रण सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। बोस सेना को पुनर्गठित करने में समर्थ रहे। उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया में निर्वासित भारतीयों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने आईएनए में शामिल होकर और वित्तीय रूप से भी सहयोग किया। इंडियन नेशनल आर्मी में एक पृथक महिला इकाई सहित लगभग 85,000 सैनिक थे। महिला यूनिट रानी झांसी रेजिमेंट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथों में था। आईएनए ने इंपीरियल जापानी आर्मी के साथ मिलकर बर्मा, इम्फाल और कोहिमा में ब्रिटिश और राष्ट्रमंडल सेना का और बाद में मित्र राष्ट्र की सेना का मुकाबला किया। आज हम स्वतंत्रता सेनानी नारायण भास्कर खरे का भी स्मरण कर रहे हैं। नारायण भास्कर का जन्म 19 मार्च 1884 को महाराष्ट्र के पनवेल में हुआ था। पेशे से चिकित्सक नारायण भास्कर 1916 से 1938 तक इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदस्य रहे। वे सेंट्रल प्रोविंसेस प्रांतीय कांग्रेस समिति और नागपुर के हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष और कई वर्षों तक अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य रहे। वे एक राष्ट्रवादी मराठी पत्र तरुण भारत के संस्थापक और संपादक भी थे। नारायण भास्कर ने लाहौर कांग्रेस के आदेशानुसार विधायी परिषद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें नागरिक अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। 1937 के चुनावों के बाद नारायण भास्कर नवगठित सेंट्रल प्रोविंसेस और बरार के पहले प्रधानमंत्री बनाए गए। उन्नीस सौ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अष्टी और चिमूर में भीड़ ने कुछ पुलिसकर्मियों को मार डाला। इस सिलसिले में 30 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। नारायण भास्कर खरे ने इन लोगों की मदद के लिए मृत्यु दंड राहत सोसाइटी का गठन किया। वे मई 1943 से जुलाई 1946 तक वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य रहे। परिषद में वे राष्ट्रमंडल संबंध विभाग के प्रभारी थे।
बाद में नारायण भास्कर खरे संविधान सभा के सदस्य के रूप में भी सेवारत रहे। 1952 में वे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लोकसभा सांसद चुने गए और 1955 तक सांसद रहे। बाद में वे नागपुर में बस गए। 1970 में उनका निधन हुआ। इस महान राष्ट्रवादी नेता को हमारा नमन। आज हम शहीद मोहम्मद खान को भी याद कर रहे हैं। दिल्ली निवासी खान ने 1857 में आजादी की पहली लड़ाई में भाग लिया था। उन्होंने दिल्ली में ब्रिटिश सेना को रोकने में भी सक्रिय भागीदारी निभाई। दिल्ली पर फिर से नियंत्रण के बाद ब्रिटिश सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह का आरोप लगाया गया और 19 मार्च 1858 को उन्हें फांसी दे दी गई। देश की माटी के इस महान सपूत को हमारा शत शत नमन। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है गीतकार योगेश को। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुप कैसे आए। सच्चा गीतकार वही होता है जो दुनिया के दर्द को पहले अपने दिल पर महसूस करता है और फिर उसी एहसास को गीत बनाकर लोगों के सामने पेश कर देता है। गीतकार योगेश गौड़ भी ऐसे ही गीतकार थे। उन्होंने अपने गीतों में वही लिखा जो उन्होंने जिंदगी में सीखा। यही कारण है कि उनका हर गीत सुनने वाले के दिल में उतर जाता है। लखनऊ में 19 मार्च 1943 को जन्मे गीतकार योगेश का लखनऊ से मुंबई जाने और वहां जाकर गीतकार बनने का सफर भी कुछ कम संघर्ष भरा नहीं रहा। परिवार का पेट पालने के लिए 1960 में योगेश अपने एक जमींदार दोस्त सत्येंद्र प्रकाश के साथ मुंबई आ गए। लंबे संघर्ष के बाद 1962 में योगेश को फिल्म सखी रॉबिन के लिए गीत लिखने का मौका मिल गया। इनमें एक गीत था, तुम जो आओ तो प्यार आ जाए, जिंदगी में करार आ जाए। रॉबिन बनर्जी के संगीतबद्ध किए गीत को गाया था मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर ने। इस गीत के बाद योगेश की जिंदगी की गाड़ी चली तो फिर चल निकली। उन्होंने कई फिल्मों के गीत लिखे, लेकिन 1971 में आई फिल्म आनंद के गीतों ने योगेश को बुलंदियों तक पहुंचा दिया। मैंने तेरे लिए ही सात रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। गीतकार योगेश ने फिल्मों के कई हजार गीत लिखे, लेकिन जिन फिल्मों के गीतों ने इन्हें विशेष लोकप्रियता दिलाई उनमें बेवफा सनम, मिली, चोर, मंजिल, छोटी सी बात, बातों बातों में और रजनीगंधा का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। और अब मौसम। दिल्ली और मुंबई में आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 22 और 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। जम्मू और लेह में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 1 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फुमियो के बीच 14वीं भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक आज शाम नई दिल्ली में। गृहमंत्री अमित शाह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के स्थापना दिवस पर जम्मू में परेड में शामिल हुए। कहा, अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद आतंकवाद पर निर्णायक नियंत्रण केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 10 नए मंत्री शामिल किए गए। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से जैव रासायनिक हथियार संधि को सच्ची भावना से लागू करने की अपील। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। तमिलनाडु के कृषि मंत्री एमआरके पनीरसेल्वम ने आज 33,000 करोड़ रुपए का कृषि बजट पेश किया। कर्नाटक में तुमकुर जिले के पावागढ़ के निकट एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आज शाम
दिल्ली के निकट फरीदाबाद में शुरू होगा। ऑकलैंड में भारत के साथ महिला विश्व कप क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की 6 विकेट से जीत और भुवनेश्वर में FIH प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में आज भारत का सामना अर्जेंटीना से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।